साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या को लेकर सीएम योगी सख्त दिखाई दे रहे हैं। बिजली की समस्या और उसकी आपूर्ति को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के 75 जिलों में रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति हो। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद मिल रही है। कोयले की ढुलाई के लिए भी रेल सड़क मार्ग का इस्तेमाल होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। भविष्य में ऊर्जा की जरूरत के हिसाब से कार्य योजना तैयार हो, साथ ही समय से बिल भुगतान करने के लिए भी उपभोक्ताओं को प्रेरित करें। तो सीएम योगी ने बिजली की कटौती को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। सीएम योगी सख्त दिखाई दे रहे बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जो उपभोक्ता हैं उनको प्रेरित करा जाए बिल भुगतान के लिए, साथ ही साथ भविष्य में ऊर्जा की जरूरत के हिसाब से कार्य योजना भी तैयार करी जाए। ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता भी बताई है। कोयले की ढुलाई के लिए भी रेल सड़क मार्ग का इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह से केंद्र मदद कर रहा है उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि केंद्र की तरफ से भी मदद मिल रही है। यूपी के 75 जिलों में रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद मिल रही है, इस बात को भी उन्होंने कहा है। केंद्र का आभार भी जताते हुए नजर आए। कोयले की ढुलाई के लिए रेल सड़क मार्ग का इस्तेमाल होगा, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। तो जिस तरह से ऊर्जा संकट उत्पन्न हो रहा है, भीषण गर्मी है और गर्मी में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कदम उठाया है, दिशा निर्देश जारी किए हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और इस वक्त जिस तरह से बिजली कटौती हो रही है, बिजली की मांग बढ़ गई है, जो समस्या देखने को मिल रही है बिजली से संबंधित, उनको दूर करने के लिए सीएम ने निर्देश जारी करे हैं। एक्शन मोड में नजर आ रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पहले ही कहा था ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूरे समय बिजली पहुंचाने की बात कही थी और अब एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, बिजली आपूर्ति को चलते जो कुछ दिशा निर्देश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने, ये कितने जरूरी थे और क्या कुछ निर्देश दिए सीएम ने? गर्मी का मौसम और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि 122 साल की रिकॉर्ड गर्मी इस बार अप्रैल में हुई है, और निश्चित रूप से गर्मी होती है तो यहाँ पर बिजली की उपलब्धता बढ़ाई और आवश्यक हो जाती है, और जिस तरह हम देख रहे हैं, और ये बिजली संकट आज नया नहीं है, हमेशा देखा जाता है। गर्मी होती है तो जब लोगों का जो बिजली है उसका जो उत्पादन होता है वो उस स्थिति में नहीं हो पाता, और खासकर जो खपत होती है वो अचानक बढ़ जाती है। सभी लोग एसी का उपयोग करते हैं, कूलर का उपयोग करते हैं, तो जब बिजली खपत बढ़ती है यहाँ पर उपलब्धता में कमी आ जाती है। और निश्चित रूप से यहाँ पर बेहतर उन्होंने निर्देश दिए, उन्होंने कहा है कि 75 जिलों में रोस्टर के हिसाब से बिजली दी जाए, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 1500 मेगावाट की बिजली कम पड़ती है, इसको केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, और निश्चित रूप से जो आपूर्ति है वो पूरी हो पाएगी और 75 जिलों में जो रोस्टर के हिसाब से बिजली दी जा सकेगी, क्योंकि अभी त्यौहार भी हैं, कल ईद भी है, और साथ ही साथ आने वाले समय में भीषण गर्मी पड़ रही है क्योंकि मानसून की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। मानसून कब तक आया, पर जब तक मानसून नहीं आता है लगातार इस तरह की जो गर्मी पड़ रही है उससे निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को या जनता को राहत पहुंचाने के बिजली की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है। इसलिए मुख्यमंत्री ने एक बेहतर प्रयास के तहत एक निर्देश दिया है कि सभी 75 जिलों में जो रोस्टर बनाया गया है, चाहे वो नगर का हो, चाहे नगर पंचायत का हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, सबको रोस्टर के हिसाब से बिजली दी जाए। जी गौरव, जिस तरह से बिजली आपूर्ति की बात कही गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में कितने समय मिलती रहेगी बिजली? देखिए, रोस्टर के हिसाब से तो 18 से 20 घंटे की बात ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती है, पर अब उतने रोस्टर के हिसाब से मिल पाती है। हालांकि उन्होंने आदेश दिया है 1500 मेगावाट बिजली जो है केंद्र सरकार के माध्यम से मांगी भी गई है और मिल जाएगी, और साथ ही साथ कोयला की आपूर्ति में भी लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, पर यहाँ पर 18-20 घंटे की जो बात हम करते हैं, बिजली कितनी पहुँच पाएगी वो तो आने वाला समय बता पाएगा, स्पष्ट हो पाएगी। पूछिए, अगर गाँव में बात करें तो गाँव में बेसिकली जो बिजली है या जो आवश्यकता है वो सिंचाई की जरूरत होती है, क्योंकि गांव में जो मुन निवासी है उनका जो रहन सहन और जीवन शैली ऐसी होती है
बहुत ज़्यादा कूलर या एसी की वहाँ पर प्रतिक्रिया होनी जरूरी नहीं होती है। तो वहाँ पर अगर 18-20 घंटे का भी रोस्टर वहाँ पर चलता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो आपका जो जीवन है वो सुचारू रूप से चल सकेगा। पर यहाँ पर बात नगर की होती है जहाँ पर लोग बहुतायत एसी का उपयोग करते हैं, कूलर का उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 24 घंटे बिजली होना बहुत आवश्यक है। गाँव की जो आबो हवा भी शहर से अलग होती है, क्योंकि शहर में जो इस तरह से प्रदूषण होता है, प्रदूषण के चलते गर्मी के तापमान में जो तापमान होता है लगातार बढ़ता चला जाता है और आम जो जनता होती है वो जो गर्मी के भीषण तपेरों से जूझती रहती है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से शहरों में बिजली की उपलब्धता बहुत जरूरी है और यहाँ पर आपको रोस्टर के हिसाब से 24 घंटे का रोस्टर यहाँ बनाया गया है, तो उसके हिसाब से आपको आपूर्ति करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो केंद्र की तरफ से भी अब मदद की जा रही है, सीएम योगी ने आभार भी जताया है। बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम सख्त नजर आ रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। भाजपा महानगर के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं, अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं और परिजनों को सांत्वना देता हूं, और लेकिन इसकी जांच करके अगर किसी भी प्रकार से तो वाराणसी दौरे पर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने सपा प्रमुख पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि वो बौखलाए हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि महानगर के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने के लिए उप मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचे हैं, साथ ही साथ उनके कई कार्यक्रम भी हैं जहां वो प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, भाग मौजूद रहेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उसके साथ ही वो भाजपा के संगठन के कई मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करने का कार्यक्रम है। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंच चुके हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे, और क्या कुछ कार्यक्रम उनके निर्धारित है वाराणसी में? जैसे आपको बता दें कि सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज वाराणसी के दौरे पे हैं। आज 11:30 बजे भाजपा द्वारा आयोजित जिला प्रशिक्षण शिविर में वो सम्मिलित हुए, जो कि आपके होटल प्रताप पैलेस में रखा गया था। 11:30 बजे इस कार्यक्रम में गए और वहां पे जाकर जो प्रशिक्षण शिविर रखी गई है उसमें शिरकत हुए। उसके बाद आपको बताएं कि 2 बजे सर्किट हाउस पर जनपद के विभागीय अधिकारियों से बैठक की है, जिसमें जो आने वाले त्योहार है साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने निर्देश दिए। वहीं आपको बताएं कि आज 2:30 बजे वो पदाधिकारियों के साथ साथ जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि 3 बजे के करीब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें आपको बताएं कि आज अखिलेश यादव लखनऊ के कुछ जगहों के दौरे पे थे, जहां उन्होंने हाल ही में हुए घटनाओं को सरकार का शिकंजा कसते हुए कहा कि चंदौली में जो हुआ उस वो सही नहीं हुआ और भाजपा कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में फेल है, जिसका जवाब देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं और उनको कानून व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठाते हुए सोचना चाहिए। विगत 1 महीने में हमने ऐसा किया है कि जनता इस चीज को देखती है। वहीं आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि चंदौली में जो घटना हुई उसमें जो भी संलिप्त है उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी तबका का हो। सिखा आपको बता दें कि विगत दिनों चंदौली में एक घटना हुई थी, जिस घटना का आरोप पुलिस प्रशासन पे लगा था, तो उन्होंने कहा कि मैं केशव प्रसाद मौर्य ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो जो भी घटना हुई वो दुखद है और जो प्रशासन के लोग इसमें सम्मिलित है उनपे पूरी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की रिपोर्ट आने तक अभी इंतजार करना होगा। जी विभांशु, अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, ये बयान भी सामने आया है, इस पे क्या कहेंगे? जी बेशक, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो अखिलेश यादव आज गोसाईगंज में आज एक मूर्ति का अनावरण करने गए थे, उन्होंने मीडिया बाइट्स में सवाल उठाते हुए चंदौली की घटना पर बोला, उसका जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव की ये चुनाव में जो हार हुई है, करारी हार हुई है, उसकी बौखलाहट है। कहीं ना कहीं अगर देखे तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ये बौखलाहट है और अखिलेश
अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि जिनके हाथ में कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दी गई है उनकी तरफ से ऐसी गलतियां की जा रही है, कहीं ना कहीं कानून के जो अफसर है उनपे उन्होंने सवाल उठाया जिसका जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। और आज के कार्यक्रम के ठीक शाम 6 बजे एक कार्यक्रम रखी गई है जो कि आपके कार्यकर्ता के घर जाकर भोजन करने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जो वहां के स्थानीय नेता होंगे साथ ही साथ मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कार्यकर्ता के घर जाएंगे और भोजन करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। लखनऊ में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है और कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बता दें कि माउंट फोर्ट स्कूल के छात्र समेत 26 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। माउंट फोर्ट में 7वीं के छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। संपर्क में आने वाले दूसरे छात्रों की जांच कराई गई। क्रैथेडल स्कूल के शिक्षिका के पति भी कोविड पॉजिटिव मिले हैं। तो लखनऊ में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद नोएडा से मामले सामने आ रहे थे और अब लखनऊ में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। और इस खबर पे हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हो, जितने भी मामले सामने आ रहे हो उसमें स्कूली छात्र ज्यादातर पाए जा रहे हैं, स्कूलों से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या स्कूलों में तेजी से फैल रहा है कोरोना, क्या वहां पे किसी तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है? जी, आपको बता दें कि विगत हफ्ते दिनों में देखा जाए तो लखनऊ राजधानी के अंदर में ही तमाम स्कूलों के अंदर से कोरोना वायरस की जो फैलने का रिसाव का अक्सर है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया। आपने देखा कि विगत दिनों लामार्ट कॉलेज के छात्र पॉजिटिव आए थे, साथ ही साथ डीपीएस से अलीगंज ब्रांच से आए थे। उसी क्रम में माउंट फोर्ट लखनऊ के स्कूल है जहाँ पे 26 लोगों की कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना आ रही है। वही आपको बताया कि 20 बच्चे वहाँ के पॉजिटिव आए हैं, साथ ही साथ 6 शिक्षिका व उनके अभिभावक के पॉजिटिव आए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोरोना वायरस की जो पुष्टि हो रही है, जो निकल के आ रहे हैं पॉजिटिव, वो कहीं ना कहीं स्कूलों से जो देखा जाए तो स्कूलों में कहीं ना कहीं ज्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अजमाउंट फोर्ट में 26 केसेस आए हैं, जिसके बाद जो भी लोग संपर्क में थे उनकी टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग के बाद ये निकल के आएगा कि कितने लोग और संक्रमित हुए हैं। वही आपको बताएं कि बीते दिनों तमाम स्कूलों में कोविड पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद निर्देश आया था कि स्कूलों को बंद करके और 2 दिन के लिए स्कूल को बंद करने के निर्देश दिया था, जिसके बाद वहां केसेस आने बंद हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो आज माउंट फोर्ट में 26 केस आने के बाद कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो स्वास्थ्य महकमा है उसके लिए एक चुनौती है, क्योंकि अगर देखें तो स्कूलों जो कि जहां तमाम छात्र दूर दराज से आते हैं, वो अधिक से अधिक लोगों से संपर्क में आते हैं, तो कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य महकमा को सचेत होना पड़ेगा, साथ ही साथ स्कूल को भी सचेत होना पड़ेगा। विभाषु, अगर एज ग्रुप की बात करें तो जितने भी इस वक्त मामले सामने आ रहे हैं तो किस उम्र के बीच में आ रहे हैं? जी, अगर बात की जाए तो तत्कालीन विगत हफ्तों की बात की जाए तो स्कूली छात्रों के अंदर कोरोना के जो वायरस है उनके लक्षण देखे गए और पॉजिटिव केस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखे तो जो 18 साल के नीचे के बच्चे हैं जो स्कूल में है उनके उनके पॉजिटिव होने की खबरें जो है वो विगत हफ्तों से बढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं देखे तो बच्चों के अंदर ये जो वायरस है वो कहीं ना कहीं फैलते हुए नजर आ रहा है, स्कूल में सामने आ रहा है, स्कूलों में जो पॉजिटिव हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखे तो सरकार को अब इस पर चिंतन करके और जो बच्चों की दूसरी डोज है उसकी जो तेजी है उसमें बढ़ाव करते हुए और दूसरे डोज में तेजी लानी चाहिए। साथ ही साथ जो वयस्कों की 2 वैक्सीन लग चुकी है तो बूस्टर डोज की भी जो लगाने की प्रक्रिया उसमें भी तेजी लानी चाहिए। साथ ही साथ अगर बात करें तो विशेषज्ञों को तो उनसे सवाल इस तरह का रखा गया कि क्या ये चौथी लहर की आशंका है, तो उनकी तरफ से कहा ये जा रहा है कि अब तक 2 जो वयस्क है उनको 2 डोज वैक्सीन लग चुके हैं, कहीं ना कहीं अगर देखें तो उनके अंदर इम्यूनिटी बिल्ट हो चुकी है और इससे बच्चों प्रभावित देखने को मिल रहे हैं। तो सरकार और जो स्वास्थ्य महकमा है उनको बच्चों की वैक्सीन में तेजी लानी चाहिए और बूस्टर डोज में वयस्कों की। जी बिल्कुल विभांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े हुए थे।
खबर चंदौली से है, जहां पुलिस अधीक्षक ने मनराजपुर मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि अभी तक युवती की मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है, हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं इस मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दुख जताया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। अभी तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। चंदौली के बारे में वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करके सभी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। मृतका का पोस्टमार्टम एक पैनल के द्वारा कराया गया है तथा उस पैनल में की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इसके अतिरिक्त घर वालों के जो भी पक्ष था उसके हिसाब से अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि विवेचना के दौरान जिस तरह के साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने मनराजपुर मामले पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी और इस मामले में डिप्टी सीएम ने भी संज्ञान लिया है और दुख व्यक्त किया है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजीत पाठक जुड़ चुके हैं चंदौली से। अजीत, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस मामले में क्या क्या तथ्य निकल के सामने आए हैं, प्रथम दृष्टया ये मामला क्या था? मैम, हम आपको बता दें कि इस समय कन्हैया यादव जो हैं उनके घर पे हैं, जो उनकी पीड़िता की जो बेटी है उनकी मृत्यु हो चुकी है और लगभग 4:30 बजे उनको पोस्टमार्टम करके और बनास 80 घाट पर उनको फूंका गया। बट उसके बाद ही उनकी जो छोटी बहन थी बीमार हो गई थी, तत्काल उनको लेके जाया गया हॉस्पिटल में और दवा करके फिर वापस लाया गया। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है और पीड़िता का कहना है कि मेरी बहन की हत्या पुलिस वाले के वजह से हुई है, जिसके कारण उदय प्रताप कैदराजा की अश्रु है जो उनको निलंबित कर दिया गया। कहीं ना कहीं पुलिस अभी जांच में जुटी है। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने क्या कुछ बताया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने यही बताया है कि अभी उनके जलबल यहाँ पर लगा था अभी कोई पुष्टिकरण नहीं पाया। कहीं ना कहीं पुलिस महकमा भी कहीं कहीं बच रही है, जिसके कारण से अभी पूरा रिपोर्ट सही से नहीं बता पा रही, जिसके कारण से पीड़ित परिवार नाखुश दिख रहा है और कहीं ना कहीं मांग के लिए अपने अड़ा है। और उनके पिता दाह संस्कार दे के कुछ ही समय अभी 2 घंटे हुए हैं दाह संस्कार दे के आए हुए, अभी आए हैं, उनसे बातचीत करने पे यही पता चला कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस महकमा का बहुत लापरवाही देखने को मिल रहा है। जी अजीत, इसमें डिप्टी सीएम ने भी संज्ञान लिया है, उन्होंने क्या कुछ निर्देश दिए हैं? केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसमें दुख जताया है। जी, उन्होंने भी ट्विटर पर दुख जताया है, बट उसके बाद भी जांच अभी शुरू हो गई है और एसपी का पूरा हुआ है कि इस पे जांच किया जाए और जो भी इस पे पकड़ा जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजीत पाठक जुड़े थे चंदौली से। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।